देखिए मार्केट में ना हर टाइप की गाड़ी होती है, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो लॉन्च होते ही जबरदस्त तरीके से छा जाती हैं और हमेशा के लिए वो छाई रहती हैं, नाम बना लेते बहुत ही बढ़िया। कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जो अपना नाम बना ही नहीं पाती हैं, ना उनकी कहीं बात होती है, कब लॉन्च हुई कब गई किसी को कोई मतलब नहीं होता और वो गुमनामी में गुम हो जाती हैं। कुछ गाड़ियां फिर ऐसी होती हैं जो आई हैं चली हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वो फ्लॉप होना शुरू हो जाती हैं, पता नहीं क्यों वो पसंद होना बंद हो जाती हैं, मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं बिकती हैं। और कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जो बड़े जोर शोर के साथ लॉन्च होती हैं और बड़ी जबरदस्त तरीके से फ्लॉप भी हो जाती हैं। तो हम आज उन दो कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो लास्ट वाली है, जो गाड़ियां कभी चलती थी लेकिन आज के टाइम पर सेल उनकी डाउन होती जा रही है। दूसरी वो गाड़ियां हैं जो बड़े जोर शोर से लॉन्च हुई थी लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई। पांच गाड़ियों की बात करेंगे और देखते हैं लास्ट पांच महीने में उनकी क्या सेल रही है, किस वजह से वो डाउन रही है और आगे आने वाले टाइम में वो कुछ कर भी सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है निसान मैग्नाइट। कभी ये गाड़ी बहुत जबरदस्त बिकती थी, निसान को लेकर चल रही थी अपने कंधों पर, लेकिन निसान इसकी तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, उस वजह से इस गाड़ी की सेल जो है ना वो भी डाउन होती जा रही है। कभी 7-8 हजार यूनिट हर महीने बिकने वाली गाड़ी अब 2200-2300 यूनिट पर आ गई है और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा कम होती चली जाएगी। हर महीने इसकी सेल जो है वो डाउन हो रही है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और एक बहुत बड़ा डर भी है। देखिए रीजन क्या है, निसान के पास इंडिया में कोई और गाड़ी है ही नहीं और ना ही वो लेकर आ रहे हैं, कोई प्लानिंग उनकी दिख ही नहीं रही है। और डर सबसे बड़ा क्या है, जिस तरीके से फोर्ड इंडिया से चली गई, जिस तरीके से GM शेवरले जो है वो इंडिया से चली गई, क्या उसी तरीके से कहीं निसान भी तो नहीं जा रही है? कोई अपडेटेड मॉडल मैग्नाइट का काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है वो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नई गाड़ी नहीं आ रही है जबकि वर्ल्ड वाइड निसान के पास काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। तो आने वाले टाइम में डर लग रहा है, अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं ना तो मैं बोलूंगा अभी आपको रुक जाना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, क्या करना चाहती है निसान इंडिया में, कहीं चली ना जाए और फिर आपके पास रह जाए सिर्फ एक निसान मैग्नाइट जिसका कोई खरीदार नहीं होगा, मतलब परेशानी वाली बात हो जाती है। दूसरे नंबर पर मारुति की गाड़ी है। सोच भी नहीं सकते थे कि मारुति की गाड़ी भी इस लिस्ट में आ सकती है, लेकिन और भी गाड़ियां हैं, एक ये गाड़ी है वो है एस्प्रेसो। देखिए कभी छोटी गाड़ियों का टाइम होता था, आज भी है, अल्टो काफी अच्छे नंबर्स में बिक रही है, सिलेरियो काफी अच्छे नंबर्स में बिक रही है, लेकिन ये गाड़ी इतना बढ़िया अब नहीं कर रही। जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी मिनी SUV इसको बोला गया था, हाथों हाथ लोगों ने लिया भी था, बिकी भी काफी अच्छे नंबर्स में थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी सेल जो है वो डाउन होती जा रही है। पिछले पांच महीने में काफी डाउन आती चली गई है इस गाड़ी की सेल, 2200-2300 यूनिट के आसपास। कोई मारुति की जो छोटी गाड़ी है वो बिकना बहुत ही मतलब बड़ी बात हो जाती है कि यार मारुति गाड़ी इतनी कम बिक रही है। अब एस्प्रेसो के कम बिकने का रीजन यही है कि जो बाकी गाड़ियां है ना वो थोड़ी सस्ती हो गई, हम पंच वगैरह को देख ले वो काफी बजट में जो है इस गाड़ी के मुकाबले आ रही है। अगर कोई एस्प्रेसो 5-6 लाख रुपए लगाकर लेगा ना तो उसके बदले वो और 1-1.5 लाख रुपए लगाकर पंच क्यों ना ले लेगा, तो उस हिसाब से गाड़ियां काफी बढ़िया है। एस्प्रेसो दिखने में भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर एक छोटा ना डिब्बा टाइप अब दिखने लगा है, प्राइसिंग उतनी अच्छी नहीं रही है, पहले बड़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग रहती थी, अब धीरे धीरे गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं। तो एस्प्रेसो अपने डिजाइन की वजह से, पहले इसका डिजाइन जो है सबको पसंद नहीं आता था, कुछ लोगों को पसंद आता था लेकिन कम प्राइस की वजह से इस गाड़ी को खरीद लिया जाता था, अब प्राइसिंग भी इस गाड़ी की तरफ नहीं रही है और फिर छोटा इंजन छोटी गाड़ी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस गाड़ी को अब वैल्यू फॉर मनी नहीं मनाते हैं, उसी वजह से एस्प्रेसो आज के टाइम पर नहीं बिक रही है। फिर तीसरे नंबर पर एक और मारुति की गाड़ी है, बड़े जोर शोर से लॉन्च हुई थी और बोल रहे थे कि ये तहलका मचा देगी, नाम है उसका जिम्नी। अब जिम्नी को उतारा गया था किसके सामने, महिंद्रा थार के सामने, और जब थार के सामने इसको देखते हैं ना तो मतलब कहां थार और कहां जिम्नी, कुछ भी नहीं है। लुक्स के मामले में तो बिल्कुल जीरो निकली है ये गाड़ी, हालांकि चलाने में कैपेबिलिटीज में बहुत बढ़िया है, 4x4 के हिसाब से आप इसको कहीं भी खराब रास्तों पर लेकर जा सकते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से कैपेबल है, लेकिन मारुति को ये समझना चाहिए था कि थार क्यों बिकती है इंडिया में आज के टाइम पर, वो आप भी बताना ऐसा ही है क्या? अगर 1000 लोग थार लेते हैं ना 4x4, तो उसमें से शायद 2 या 3 लोग ही हैं जो उसकी कैपेबिलिटीज का पूरा फायदा उठा पाते हैं, ज्यादातर लोग बाकी जो 998 लोग बचे ना वो थार को लुक्स के लिए ही लेते हैं। तो इंडिया में थार बिक रही है लुक्स के लिए, और जिम्नी भी किसी वजह से बिकती, लुक्स के लिए तो बिकती, लेकिन लुक्स को लेकर ही
वहां पर वो गाड़ी फ्लॉप हो गई। फिर प्राइसिंग जो है स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा इसकी लेकर आए कि मतलब दुनिया ने इससे ना तौबा ही कर लिया, ये गाड़ी लेने लायक नहीं है। दिखने में जो गाड़ी जबरदस्त नहीं है उसके ऊपर इतना पैसा लगाना, और वो भी फिर थार के मुकाबले में, मतलब कोई जिमनी ले मार्केट में निकले उसे प्राइसिंग पूछे यार ये कितने की ली, इतने की ली, तो यार इससे बढ़िया थार ही ना ले लेता, ये क्या दिखने में है। सेल तो बिल्कुल डाउन, स्टार्टिंग से ही इसकी बहुत डाउन रही है। डिस्काउंट भी इस पर काफी आए हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक के डिस्काउंट आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ी अपनी सेल नहीं पकड़ पाई है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी सेल कुछ ज्यादा रहेंगी। तो जिमनी तो एक बड़ा फ्लॉप प्रोडक्ट रहा ही है। फिर एक और गाड़ी है जिसे मैग्नाइट की बहन ही बोल सकते हैं, उसकी कॉपी ही बोल सकते हैं, रेनो की काइगर। अब काइगर और मैग्नाइट में सिर्फ डिजाइन का ही फर्क है, थोड़े बहुत पैसे का फर्क है, बाकी सब कुछ उनका लगभग सेम है, लेकिन फिर भी वो मैग्नाइट से भी काफी कम बिक रही है, क्योंकि मैग्नाइट की लुक जो है ना वो फिर भी थोड़ी सेफ दिखती है। काइगर की तो बिल्कुल ही बड़ी फंकी टाइप की लुक है, जिसको पसंद आती है, बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को वो पसंद नहीं आती है। निसान ने फिर भी अपना नाम थोड़ा सा बढ़िया बनाया था, रेनो इतना अच्छा नाम अपना नहीं बना पाई है। रेनो की जो क्विड आती थी उसका इंजन भी इतना अच्छा नहीं रहा था, तो उस वजह से काइगर भी जो है धीरे धीरे अपनी सेल बड़ी डाउन करती जा रही है, 1000 यूनिट से भी कम बिकने लग गई है। और डर इनका भी बना हुआ है कहीं निसान के साथ साथ रेनो भी इंडिया को छोड़कर ना चली जाए। और अभी पीछे ना कुछ टाइम पहले शायद हुंडई के वो CEO थे, लेकिन किसी ना किसी ने बयान जरूर दिया था कि आने वाले 3 से 4 साल में ना इंडिया से और भी बड़ी कंपनी जो है, कार कंपनी जो है, वो इंडिया को छोड़कर जरूर चली जाएंगी। तो उस वजह से डर भी लग रहा है कि कहीं ये कंपनी जो है इंडिया छोड़कर जाने की तैयारी में तो नहीं है। कुछ ये भी डर है, कुछ अपडेट नहीं आ रही है, उस वजह से रेनो काइगर की सेल वो भी बड़ी डाउन है, ये भी एक फ्लॉप प्रोडक्ट बनता जा रहा है। और फिर नेक्स्ट जो है वो फिर से मारुति की तरफ से, मतलब 5 गाड़ियों में से 3 मारुति की गाड़ियां, हाँ जिसके पास ज्यादा गाड़ियां होंगी फ्लॉप भी उसी की ज्यादा होंगी, वो है मारुति सुजुकी इनविक्टो। अब इनविक्टो जो है वो टोयोटा से इन्होंने बोरो किया था, टोयोटा का और इनका कोलैब चल ही रहा है। टोयोटा के पास है इनोवा हाई क्रॉस, जिसकी पिछले महीने की मतलब मई में जो सेल थी ना उसकी, वो 8.5 हजार यूनिट से भी ज्यादा थी सिर्फ एक महीने में, और इनविक्टो की पिछले 5 महीने की जो सेल है वो सिर्फ 1600 के आसपास है। मतलब जो इनविक्टो की 5 महीने की सेल है ना, वो हाई क्रॉस से 1 महीने की सेल से भी 5 गुना कम है। प्रोडक्ट दोनों सेम है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा फर्क है। अब उस फर्क के होने के पीछे ना सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इनविक्टो सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसी में आती है, स्टार्टिंग ही इसकी लगभग 25 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि इनोवा हाई क्रॉस वो लगभग 19.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। दूसरा, फिर इतने ज्यादा पैसे हैं, और इनोवा जो है ना एक नाम है, जैसे फॉर्च्यूनर एक नाम बना हुआ ना टोयोटा के साथ, अगर कोई दूसरा प्लेयर बेशक मारुति सुजुकी ही फॉर्च्यूनर को किसी और नाम से लेकर आएगी तब भी लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर के पीछे ही जाएंगे, उसी तरीके से इनोवा का नाम जो है वो टोयोटा से जुड़ा हुआ है। और दूसरा ये भी है कि पैसे जो है बहुत ज्यादा उधर देने पड़ रहे हैं, जो नॉर्मल गाड़ी है, नॉर्मल इनोवा हाई क्रॉस है, सेल भी उसी की ज्यादा होती है, मारुति सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को लेकर आई है, तो अभी इसको फ्लॉप तो नहीं कह सकते हैं। जब मारुति भी अपने लोअर वाले वेरिएंट लेकर आएगी उसके बाद पता लगेगा क्या ये गाड़ी उतनी ज्यादा चल रही है नहीं चल रही है। 3-4 हजार यूनिट भी अगर महीने में बिक जाएंगे उसके बाद तो काफी अच्छा इसको माना जा सकता है, लेकिन आज के टाइम पर जब तक ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेकर आए हैं ना, गाड़ी बड़ी फ्लॉप है। तो ये 5 गाड़ियां थी जिन्होंने धूम मचाई थी या मचाने के लिए आई थी, नहीं मचा पाई। आपको और कोई गाड़ी लगती है कि कौन सी वो गाड़ी है तो धूम मचाने के लिए आई थी या पहले मचा रही थी आज कुछ नहीं कर पा रही है, या इस लिस्ट में से कौन सी गाड़ी है जो आगे सेल रफ्तार पकड़ सकती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस क्लब से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।